चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 सेम टाइप का है। पहले तो देखना पड़ेगा कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। अभी हम थर्ड क्वेश्चन में वही डिस्कस कर चुके हैं। ए वन अपॉन ए टू, बी वन अपॉन बी टू निकालो, सी वन अपॉन सी टू निकालो, चेक करो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। और पूछा गया इफ कंसिस्टेंट मतलब सोल्यूशन आ सकता होगा, ऑब्टेन द सोल्यूशन ग्राफिकली, ये भी हम बार बार देख चुके हैं। आपके सहूलियत के लिए कोई भी एक क्वेश्चन हम सॉल्व करके देखते हैं। तो इनकंसिस्टेंट होगा तो आप तो सॉल्व कर ही नहीं पाओगे, राइट। इनकंसिस्टेंट होगा तो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, है ना। जैसे कि फोर्थ वाला ए वन अपॉन ए टू, बी वन अपॉन बी टू सेम आएगा, इसका तो आंसर आएगा ही नहीं, है ना। सी वन अपॉन सी टू नॉट इक्वल टू, ये पैरेलल है जिसका आंसर आएगा नहीं फोर्थ का। थर्ड देखते हैं, ओरली बताओ। देखो ये वन बाई टू, ये भी ये माइनस वन बाई टू नॉट इक्वल टू, इंटरसेक्टिंग है तो थर्ड इंटरसेक्टिंग है, सॉल्व कर लेना। सेकेंड वन बाई थ्री, वन बाई थ्री और वन बाय टू आएगा तो ये भी इंटरसेक्टिंग है, ये भी सॉल्व कर लो, सब हो गया आप, ठीक है। ये यूनिक सॉल्यूशन है, ये तो हम पहले कर चुके हैं। फर्स्ट वाला ट्राई करते हैं, हाँ ये आएगा आपको इनफिनिट सॉल्यूशन वाला, तो फर्स्ट करते हैं। बाकी का आपको होमवर्क है, फोर्थ तो आपको करने की जरूरत नहीं है ज्यादा, सिर्फ बताना इनकंसिस्टेंट है, फिर तो ग्राफिकली आएगा ही नहीं। चलिए फर्स्ट फर्स्ट करके दिखाते हैं। एक्स प्लस वाई इक्वल टू फाइव दिया है, ये इक्वेशन वन है। सेकेंड एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू टेन, ये इक्वेशन टू है। चलिए अब आपका ए वन निकालिए, ए वन क्या आएगा वन, बी वन क्या आएगा वन, है ना, सी वन क्या आएगा फाइव, इधर ए टू बी टू सी टू क्या आएगा टू टू टेन। चलो निकालो फिर, सॉरी ए वन अपॉन ए टू क्या होगा वन बाई टू, बी वन अपॉन बी टू क्या होगा वन बाई टू, सी वन अपॉन सी टू क्या होगा फाइव बाई टेन मतलब वन बाई टू। अब दिख रहा है सब कुछ सेम है, ए वन अपॉन ए टू बी वन अपॉन बी टू, लिख लो फिर। देयर फॉर ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इज इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू, इसका मतलब क्या हो गया, देयर फॉर लाइन्स आर को इंसिडेंट या ओवरलैपिंग लिख लो, ठीक है ना। ओवरलैपिंग कितने सॉल्यूशंस आएंगे, देयर फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, राइट। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, अभी इनफाइनाइट सॉल्यूशन नंबर ऑफ सॉल्यूशन इनफाइनाइट ही रहेगा ना, वो थोड़ी लिख पाओगे आप। देयर फॉर गिवन लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स आर कंसिस्टेंट, अगर आप कंसिस्टेंट है तो सॉल्यूशन निकाल सकते हो। सॉल्यूशन कैसे निकालते थे याद है, चलिए मैं इनको नीचे ला लेता हूं। इतना लिखना नहीं पड़ेगा फिर हमको, है ना। चलिए तो आप सॉल्व करते हैं, क्या करते थे हम याद हो तो टेबल बनाएंगे। तो पहले तो एक्स इक्वल टू या वाई इक्वल टू के फॉर्म में लिख लेंगे, ये बना लिया। देखो फर्स्ट को सेकंड को बना लेते हैं, टू से डिवाइड कर दो तो ये भी एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना आने वाला है, फाइव ही आने वाला है ना, हाँ ना। इसमें वाई इक्वल टू निकाल लो चाहो तो, सही है, ये आएगा फाइव माइनस एक्स, चाहो तो सेम रखो आपकी इच्छा है वो तो मैंने सिर्फ अलग अलग दिखाने के लिए अलग अलग बताया, ठीक है, सिर्फ अलग अलग दिखाने के लिए। फिर से टेबल बनेगा आपका एक्स वाई, इधर भी टेबल बनेगा एक्स वाई, ठीक है। वैसे तो सेम ही लाइन आने वाली है ग्राफ पे, बट हम क्या करेंगे अलग अलग पॉइंट्स दिखाएंगे। चलो अब मैं वाई रखता हूँ वन तो एक्स आ जाएगा फोर, फिर वाई रखता हूँ टू, ठीक है, चाहो तो थ्री रख दो, थ्री रख दो, एक्स आ जाएगा आपका क्या आएगा टू, है ना। तो यहाँ पर पॉइंट ए क्या हो गया फोर कॉमा वन, पॉइंट बी हो जाएगा आपका टू कॉमा थ्री, सही है, इधर आ जाओ। अब यहाँ पर एक्स में रखता हूँ, एक्स ये वैल्यू छोड़ कर रखो वन रखते तो वाई मिल जाएगा फोर, सही है ना। अब चाहो तो आप एक्स फाइव रख दो तो वाई क्या जाएगा जीरो, है ना। फिर एक और दो पॉइंट मिल गए, पॉइंट सी आएगा आपका वन कॉमा फोर और पॉइंट डी आएगा आपका फाइव कॉमा जीरो, सिंपल है, बस अब इनको प्लॉट करना है। तो आप ग्राफ पेपर पे करना, मैं आपको
करके दिखा रहा हूँ। तो आप ग्राफ पेपर मैंने बताया था फर्स्ट क्वाड्रेंट के पॉइंट्स है, तो आप ग्राफ में ऐसे बनाओगे ना, मान लो ग्राफ पेपर आपका ऐसा होगा, समझाने के लिए बता रहा हूँ, ऐसा बनाओगे ना ये ग्राफ पेपर होगा, तो इधर ये थोड़ा सा जगह छोड़ देना बस, ये एक्स एक्सिस आएगा आपका, ये वाई एक्सिस आ जाएगा, यहाँ पर ये आपका बन गया ओरिजिन, है ना, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ठीक है ना। चलो पॉइंट ए का आएगा फिर आपका 4.1, 4.1 यहाँ पे आएगा, है ना, ये 1 ये 4, सिंपल है। उसके बाद मैं रफ बना रहा हूँ, ठीक है, रफ बना रहा हूँ। फिर क्या आएगा, बी का आएगा 2.3, 2 ये 3 ये मिल गया हमको पॉइंट, है ना, बस हमको ज्वाइन कर देना है। वैसे तो सेम लाइन आने वाली है, तो ये तो अब डायरेक्टली 5 में से जाना ही चाहिए, जा रहा है ना, नहीं जा रहा है तो हम अभी के लिए एडजस्ट करेंगे, पर जा रहा है। देखो एग्जैक्ट लिया मैंने, अंदाजे से लिया, तब भी एग्जैक्ट लिया है ये गोल, इतने बड़े नहीं बनाना, छोटा है, समझाने के लिए बता। ये पॉइंट ए है आपका 4.1, ये आ जाएगा बी 2.3, सी पॉइंट कौन सा है, इसको येलो कलर से दिखाते हैं, 1.4, तो ये 1.4 आ गया ना यहाँ पे, ये एक ही लाइन है, ज्वाइन करोगे तब भी, चाहो तो इसको फिर और डार्क कर देना, बट नहीं करोगे तब चलेगा। ये आपका आएगा पॉइंट डी 5.0, एक ही लाइन होगा ना ये, समझ रहे हो, चाहो तो आप ऐसा एरो दे देना बस, ये एक लाइन हो गया आपका एक, राइट। देखो येलो को ज्वाइन करने वाली येलो लाइन, मैंने एरो दिखा दिया, बस सेम ही लाइन होगी। अब इस पे ये नाम दोनों ही क्वेश्चन लिख देना, एक साइड में येलो के पास में सेकेंड वाला लिख देना, व्हाइट के पास में फर्स्ट इक्वेशन लिख देना, काम खत्म, सिंपल है, तो इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं होगी आपको, राइट। बस इसी तरीके से अब सेकंड थर्ड तो आपको पता है कैसे करते हो, ठीक है, नहीं अगर पता होगा प्रीवियस वाले वीडियो जाकर देखो, क्लियर हो जाएगा, फोर्थ में तो जरूरत नहीं है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के और बढ़ते हैं, चलिए तो फिफ्थ क्वेश्चन, वर्ड प्रॉब्लम है, बस आपको फिर समझना है इसमें। हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स ब्रेड विड्थ इज 36, बराबर है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। मतलब क्या हुआ, एक ऐसा गार्डन होगा, चलो गार्डन बना लेते, बढ़िया से रेक्टेंगुलर गार्डन होगा, है ना, इस टाइप का, ये आपका इधर से लेंथ, इधर से आपकी विड्थ आ गई, राइट। चलो लेंथ हम मान रहे एल ए, विड्थ को हम बी मानते हैं, राइट, ब्रेड्थ बोलते हैं ना। हाफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन, पेरीमीटर क्या होता है बताओ, पहले तो हम ये लिख लेते, पहले तो सॉल्यूशन में आप क्या मान रहे हो, लेट एल इज लेंथ एंड बी इज विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, ठीक है ना। ये तो ऐसे भी लिख सकता हूँ, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन इज इक्वल टू एल, ब्रेड विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल और रेक्टेंगुलर गार्डन इज इक्वल टू बी, वैसा लिखो तो और अच्छा दिखेगा, ये थोड़ा सा नहीं अच्छा दिख रहा है, ठीक है, हम तो प्रॉब्लम सॉल्व करने पे फोकस कर रहे हैं, है ना। अब पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर आपको पता होना चाहिए ना, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, पेरीमीटर मतलब सारे बाउंड्रीज की एडिशन करते हो, तो दो बार लेंथ और दो बार एल आएगा, दो बार बी आएगा, है ना, लेंथ, तो क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी, हाँ कि ना। यहाँ पर रेक्टेंगुलर गार्डन लिख देना आपने सिर्फ, क्लियर। अब क्या बोला है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, हाफ मतलब इसका आधा, बताओ हाफ क्या आएगा, हाफ ऑफ पेरीमीटर, ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, इसका हाफ कर दो, तो हाफ से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा, एल प्लस बी आएगा ना, सीधी सीधी बात है। क्या बोला है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, तो ये एक और कंडीशन दिया है, इज 36 सेंटीमीटर, इसका मतलब क्या बोला है आपको, हाफ द रेक्टेंगुलर
पेरीमीटर ऑफ ट्यूब गार्डन ये कितना दिया है, एल प्लस बी आपको दिया है, मतलब मैं इधर से लिखता हूँ पहले, ये 36 मीटर दिया है, हाँ कि ना। मतलब क्या मिल गया, एल प्लस बी आपको आ गया, एल प्लस बी मिल गया आपको 36, ये बन गया इक्वेशन वन। सेकेंडली आपको बोला है लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, है ना, लेंथ 4 मीटर फ्रॉम सेकेंड कंडीशन, फ्रॉम सेकेंड कंडीशन लेंथ इज 4 मीटर मोर देन विड्थ, लेंथ इज 4 मीटर मोर देन विड्थ, तो पहले विड्थ लिखना पड़ेगा जो कि ए बी, उसमें 4 ऐड करोगे, हाँ कि ना, बी को इधर भेज दो, ये आ गया एल माइनस बी इक्वल्स टू 4, ये इक्वेशन 2 मिल गया, मिल गए दोनों। और अब आपको क्या बोला गया है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। जब डायमेंशन का मतलब क्या हुआ, लेंथ और विड्थ निकालना, आपको एल और बी की वैल्यू निकाल लिया। तो कैसे सॉल्व करना है ये तो हम देख चुके हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड सिंपल, किसी एक वेरिएबल के फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, बी को इधर भेज दिया, ये हो गया आपका इक्वेशन 3। 3 इक्वेशन किससे आया था, 2 से आया था, तो पुट किस में करेंगे, 1 में करेंगे, जिससे आया उसमें नहीं करना है, पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है आपका, पहले वो लिख लो कितना है, 36, ठीक है, रखो एल की वैल्यू, एल की वैल्यू रखोगे हम, ये रख दिया, ब्रैकेट कर लिया ना मैंने, समझ गए। अब ऐड का सब्सट्रैक्ट करना शुरू करो, बी प्लस बी कितना होता है, 2b, ये 4 इधर सब्सट्रैक्ट होगा, तो 36 माइनस 4 आ जाएगा, 2b इक्वल टू आ गया आपका 32, ये 2 से डिवाइड करोगे ये 16 हो जाएगा, तो b की वैल्यू मिल गई आपको 16। थोड़ा सा अच्छे से करेंगे ब्रैकेट, क्योंकि आंसर है ना, ये ब्रैकेट बना लिया। अब बोलेंगे पुट बी इक्वल टू 16 इन इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 में रखना है, इक्वेशन एल क्या है आपका, इक्वेशन 3 के अकॉर्डिंगली चाहो तो इसको भी आप ब्रैकेट कर सकते हो, ठीक है ना, बी की जगह रख दो आप, एल इक्वल टू 4 प्लस बी लिखा है ना, एल इक्वल टू 4 प्लस बी लिखा है, राइट, बी की वैल्यू लिख दो 16, और एल मिल गया आपको 20, ये मीटर्स है, इसलिए हमेशा हमने यूनिट भी लिखना चाहिए, ऐसा नहीं कि यूनिट ना लिखो, ठीक है, बस डायमेंशन मिल गए, तो बस अब सो आंसर में लिख लेना, देयरफॉर लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 20 मीटर एंड विड्थ, ये पूरा लिखना, गार्डन इज कितना आया 16 मीटर, बस अब इसको ब्रैकेट कर लेना अच्छे से, ये आपका फाइनल आंसर, राइट, क्लियर। ये ऐसा डैश मत देना एग्जाम में, आपको पूरा लिखना पड़ेगा, नहीं तो सर ने किया था तो मैं भी कर लेता हूँ, ऐसा मत करो, है ना, ठीक है। आ गया क्वेश्चन नंबर 5, सिंपल है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं फिर।